भविष्य कैसा रहने वाला एकदम स्वस्थ कर देंगे आप दौड़ पाओ बेहोश कर देंगे। इसकी माँ का ये साला फॉर्मूला हाथ लगाया गैस का चूल्हा हाथ लगाया जान जली जा रही पूरी जिंदगी की ऐसी की तैसी करी पड़ी है। अरे यार ये हमारे प्लॉट पर कौन उतरा है? बाबूजी होते तो इसकी गांड का गुनिया बनाते थे। अभी सुअर का सुअर बढ़ता हूँ। काफी दिनों बाद देखे जवान जवान निकले लगता है की रोटियां खा रहे हो आजकल। अरे तेरा बापू बहुत थाई पाई आदमी हो गया है तेरे को पता नहीं है क्या? वैसे बेटे बहुत दिनों बाद आया तू आज। अरे बहुत दिनों क्या साल भर हो गया यार धक्के खाता फिर रहा हूँ फेल होने के बाद से। कोई नौकरी नहीं दे रहा कुछ मिल नहीं रहा मुझे कुछ यार भीख मांगनी पड़ रही है मंदिरों में। यार मेरे पास क्यों आया वैसे? तू तो बोल रहा था बहुत बड़ा धंधा करूंगा बहुत बड़ा आदमी बन के आऊंगा मेरे सामने। बेटा क्यों कहाँ पे जाके तेरे बाप का नाम ढो के आ रहा है तू अभी? अरे यार बाबू जी वो सब छोटे वो तो जोश जोश में निकल जाती है लौंडों के जवान लौंडों के नए नए लौंडों के वो तो दिख रहा है कितनी निकल पड़ी है। हाँ तो घर चलो आओ तेल वो घी वाली रोटी खिलाओ उनको। जा रही हूँ और इतना पैसा कमाऊंगा बोरिया भर दूंगा। याद रखना अपने लौंडे का नाम पिंटू याद रखना। तू ही था ना बेटा वो? अरे मैं थोड़ी था मैं तो पिंटू हूँ आपका प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा पिंटू। अभी मैंने कुछ देखा वो शायद तू ही था। अरे बाबूजी यार नहीं, कुछ बोला था आपने अभी। अरे बाबूजी पुरानी बातों को छोड़ो यार नहीं, नहीं। और आपको तो पता है ना इतनी सारी जमीन जायदाद है वो हमें ही तो संभालनी है मतलब मुझे ही तो संभालनी आप मेरे ही तो नाम करने वाले हो सारी जायदाद। चलो यार कह दिया वो तेरे छोटा भाई है ना वो किस लिए वो है कौन? तुमने लल्लू का नाम कर दिया सारी जमीन आराम से और मुझे नन्नू पकड़ा दिया भिखारी बना दिया मुझे और लल्लू को सब ज्यादा बोल दिया। लेकिन बाबूजी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते ऐसा कर नहीं सकते आप मेरे साथ। कर चुका हूँ मैं तो। मैंने तो भविष्य में ये देखा था कि आपने पूरी जमीन मेरे नाम कर दी है लेकिन एक नहीं। वो फलाद की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अपनी सारी जमीन अपने बेटे के नाम कर दूंगा। कि मैं पूरी जमीन अपने बेटे के नाम करता हूँ ये थोड़ी जाता बड़े बेटे के नाम करता हूँ। तू भविष्य की बात कर रहा है? भोज सीढ़ी के ज्योतिषी के टूटे हुए झाट के बाल साले पता नहीं भविष्य में कुछ कुछ भी देख लेता है साले सपना देखता है पता नहीं क्या करता है यहाँ पे फेंक रहा है बड़ी बड़ी। बाबूजी आप जैसा मतलबी खुदगर्ज और सुअर बापू आज तक नहीं देखा मैंने। सारी जमीन उसके नाम कर दी लल्लू के और अपने इस बेटे को तुमने कुछ कूड़ेदान छुटा मान रहे हो कुछ समझ नहीं रहे हो। जा रहा हूँ और आपको तो पता ही है जब जाता हूँ बोरिया सिलता हूँ नोटों की बोरिया सिलता हूँ बोरिया। क्या बोला जी? अरे राइमिंग कर रहा था राइमिंग कर रहा था यार राइमिंग कर रही है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मेरे गान पे मत मार मार। अरे मान छोड़ तो मान जाओ यार। अरे बाबूजी बोरिया सिलता हूँ। ओह नो। अरे पिंटू बेटे वो पहले की एक दो बोरिया वो तो बता दे अच्छा सा सिक्योरिटी है रख दूंगा सस्ते में। अरे जोश जोश में ज्यादा बोलने आ जाता है यार।
बॉस उठो। दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे पिछला बॉस गया था, तो दोस्तों बात ऐसी है, वो तो छिपकली की गांठ चूस के मर गया बहन का लड़का। आपको क्या, आपको तो मनोरंजन से मतलब है, पिछला बॉस जाएगा तो ये है हमारे नए बॉस। फॉर्मूलो पाने की गांड में चल तो इनके भी है, तो ये क्यों छोड़ेंगे बोला फॉर्मूले का पीछा, तो इन्होंने भी गांड में डंडा दे रखा है फॉर्मूला के लिए अपने आदमियों के। बॉस यार, वो फॉर्मूला वाला बंदा वापस हमारे हाथों से बच गया। ऐसे कैसे? से एक चोट निकल गया, फिर से वही चोट। लगता है तुम्हें इस बॉस के गांव में कम जानकारी है। बचपन में आया है कुत्ते का बॉस, सब गांव वाले कहते हैं चंदू बॉस। बेटा जिस दिन तीसरी टांग पे पड़ गई ना, तो उड़ा दूंगा तुम्हारा दोनों का होश। अरे बॉस, मुझे लगता है उसने साले साइंटिस्ट ने ना खरगोश फेंक के खा लिया, इतना तेज भागता है मतलब कतई रेल बन रहा है। चांदनी चौक की पुलिया तले तेरी माँ बुझा तले मेरा बापू खा के चले। अबे साले तू, अमीन पकड़ मुझे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अबे अजय बेटे, और रेटिंग के 111 रुपए कटेंगे तेरे। अबे छोड़ चंदू, अजी बस चंदू, मैं क्या शाम को है ना नाटक पे जाऊंगा, इसलिए रिहर्सल कर रहा था यहाँ पे। आप 111 रुपए मत काटो यार, 500 रुपए दे तो आप उसमें से 111 रुपए काट लोगे, फिर गरीब खाएगा क्या, पहनेगा क्या, धोएगा क्या? अच्छा गरीब, मेरी गांड धोएगा गरीब, मेरे कपड़े धोएगा गरीब, मुझे खाना खिलाएगा गरीब। 111 रुपए से कटे बेटा, अगली बार कुछ गड़बड़ की ना तो 500 में से 600 रुपए काट लूंगा तेरे। बेटा अमीन, मैं रखता हूँ खुला, मुझे नहीं मिला फॉर्मूला तो कार में दूंगा दोनों को। अरे यार, पहले वाला बॉस अच्छा था, अभी गांड में हाथ देते थे तो भी कुछ नहीं करता था वो। काफी दिनों बाद ये फॉर्मूला निकाला है वापस। साला जब जब इसे निकालता हूँ ये लोड़े लगाता है मेरे, सुअर बना रखा है जिंदगी का। चलो एक दो भविष्य और देखता हूँ। केस ख्यालों में खोया होता कि बापू जमीन मेरे नाम करेगा, और बापू ने जमीन लल्लू के नाम कर दी और मुझे लल्लू दे दिया, और मारा है अलग से, गांड दुख रही अभी तक, बड़ा सुअर भरा है मेरा। चलो, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मित्रता। तो मैं भविष्य में जानना चाहता हूँ कि मेरा सच्चा दोस्त है कौन। मेरा सच्चा दोस्त कौन है? अरे भोसड़ी का, तेरी शक्ल तो देख कुत्ते के पूछ जैसी है, कौन तेरा दोस्त बनेगा फकीर बहन के लोड़े? सारे गांड फाड़ दूंगा अगली बार ऐसा कोई सवाल पूछ लिया तो। हट यार चूत। साइंटिस्ट सुवर, तू मुझे मिल तो सही, तेरा फॉर्मूला बत्ती बना के तेरी गांड में डाल दूंगा। बड़ा ईश्वर फॉर्मूला बनाया। Oh, no. अब इस साइंटिस्ट को ढूंढना पड़ेगा, इस साइंटिस्ट के चक्कर में कितने कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं, इस चूतिया फॉर्मूला के चक्कर में। हदे, इस चूतिया फॉर्मूला ने तो गांड मार रखी है, इसके मेरे पीछे पड़े साले। साइंटिस्ट तुम मिल मुझे, मार डालूंगा तुझे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो थोड़ा बहुत सरप्राइज भी हुए होंगे क्योंकि 8 महीने बाद हमारी फॉर्मूला नंबर 1 का पार्ट 2 आ चुका है, तो उम्मीद करते हैं मज़ा भी आया होगा। और आपको पता ही है थोड़ा सस्पेंस तो हम रखते हैं, तो पार्ट 3 तो इसका आएगा ही आएगा, और उसमें और तगड़ा मजा आएगा। तो इसे लाइक कमेंट शेयर तो फाड़ते चले, क्योंकि अभी इंटरमेंट तो बस शुरू हुआ है। लाइक कमेंट की बात तो ऐसी है भाई, लाइक कमेंट करते नहीं है यार।
अंगूठा लगाना पड़ेगा, अंगूठा नहीं किसी, अंगूठा लगाना पड़ेगा ठाकुर। चलो लाइक करो, जय हिंद जय भारत।